जय जिनेंद्र मित्रों, और हमारे जितने भी बीजेएस के नेतृत्व हैं उन सबको एक साथ मेरा नमस्कार, और आप सबको भी नमस्कार। खासकर इला भाभी और अरविंद भाई जो विशेष आग्रह से आए हैं। दिनेश भाई इला वोरा के नाम से हैं वो, आप रेडी रहिएगा। है यस ठीक, सर। ओके। वी आर ऑल एंजल्स विथ वन विंग ओनली एंड कैन फ्लाई ओनली बाई होल्डिंग वन अनदर। हम लोग सब ऐसी परियां हैं जिनको सिर्फ एक पंख मिला है और कोई दूसरा चाहिए जिसके हाथ पकड़कर दो एक एक पंख वाले उड़ सके। इसी भावना के साथ इस मैट्रिमोनियल कार्यक्रम में भी आप शामिल हुई है कि अपने अधूरेपन को कहीं खोजना है तो दोनों एक दूसरे के रोजेज पार्ट को देखें और थोन पार्ट को, कि वी ऑल आर पैकेज डील्स ओनली। और मुझे ज्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए मैं लेट मी इंट्रोड्यूस आवर चीफ गेस्ट टूडे हु आर एपिटॉम्स ऑफ लव ब्यूटी एंड डेडिकेशन। मतलब आप उनको देखिए, हम लोग को जेनेटिक लॉटरी लग सकती है, हम लोग पैदाइशी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, हम कोई लंबी पीरियड तक रह पाए, अपने बॉडी को मेंटेन कर पाए, अपने रिश्तों को कामयाब रख पाए, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं एट दिस एज। मतलब दैट्स व्हाट इज लाइफ इज मेंट फॉर। जब आप एक रिश्ते में घुसते हैं तो आज को ध्यान में रखकर नहीं, दैट्स द पीरियड कि वहां तक हम सफल रूप से जा पाए, यही सफलता है। और सबसे बड़ी सफलता तो खुश रहना है। और मैं जितना अरविंद भाई को जानता हूं, मैं आपको उनका परिचय देता हूं। अरविंद भाई 1945 बोर्न, आज वो 75 ईयर्स के हैं इस साल, और एक इंजीनियर है। उनकी वाइफ शादी को 1973 में शादी हुई थी, तो आप सोचिए कि कितने 47 ईयर्स तो उनकी शादी को हो चुके हैं। एंड इन 3 ईयर्स अरविंद भाई एंड भाभी जी, वी विश कि आप बहुत अच्छे से अपने 50th एनिवर्सरी को मनाएं। और दे आर बेस्ट ऑफ, उनके आदित्य नाम का उनका लड़का है, साइकियाट्रिस्ट है, और अंजलि नाम की उनकी डॉटर है, एंड दे ऑल आर हैप्पीली मैरिड एंड लिव देयर लाइफ देयर। ये लोग लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहते हैं, और अभी वाकई में रात के 12:30 बज रहे हैं। थैंक्स। भाभी जी का परिचय मैं दूं, श्रीमद राजचंद मिशन से जुड़ी हुई है भाभी जी, और दिनेश भाई को काफी खुशी हो रही होगी, मेंबर ऑफ मीडिया कमेटी है रही, मतलब हमेशा जैना की, जो कि नॉर्थ अमेरिका में जैनों की सबसे बड़ी संस्था है। और इसके अलावा प्रोफेशनली भी वो सोशल वर्कर ही रहे, मतलब तो जिंदगी को मजे से जीने का इससे बढ़िया कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। और अरविंद भाई ने भी अपनी प्रोफेशनल करियर के बाद में लगभग वैसी ही जिंदगी जी है, मल्टीपल टैलेंट्स रहे हैं। मैं जानता हूँ 40 साल के उनके जीवन को मैं कैसे संक्षेप में बताऊं, ये मेरे लिए एक समस्या है। पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उनकी जिंदगी की आपको बताता हूँ कि पोप फ्रांसिस 2015 में आए तो उनसे मिलने का कुछ लोगों को जो सौभाग्य मिला तो अरविंद भाई थे। पोप बेनेडिक्ट से 10 आदमी को मिलने का अमेरिका में सौभाग्य मिला तो उसमें एक अरविंद भाई थे। अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट हाउस में उनको इनवाइट किया गया था। इसके अलावा बिल क्लिंटन ने एक मल्टीफेथ कार्यक्रम किया था तो राष्ट्रपति भवन में उनको बुलाया था। और इन सबसे बढ़कर लास्ट ईयर 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की ओकेजन पे इंडियन गवर्नमेंट को एक समस्या पैदा हुई कि न्यूयॉर्क शहर में 150 पेड़ लगाने हैं, 150वें जन्मदिन के ऊपर। तो अरविंद भाई की मेहनत से, जिस शांति फंड बोल के एक संस्था है जिसके चेयरमैन है, लॉन्ग आइलैंड में 50 एकड़ की एक जमीन के ऊपर में 150 पेड़ लगाए गए, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। 7 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स की मौजूदगी में, और मेरा भी सौभाग्य था कि उस कार्यक्रम में 400 लोगों के बीच में मैं भी मौजूद था। थैंक्स टू अरविंद भाई, ही इन्वाइटेड मी टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन महात्मा गांधी ऑन बिहाफ ऑफ शांति फंड। वो जैना के फाउंडर सेक्रेटरी रहे हैं, रिलीजन फॉर पीस वगैरह से जुड़े रहे, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जिसमें विवेकानंद जी भी गए थे, आपने नाम सुना होगा, उसमें मल्टीपल टाइम्स रहे हैं, और मैं भी एक दो बार इनसे वहां पर मिला हूँ। और मतलब इनके बारे में मैं क्या बताऊं। लेट अस स्टार्ट नाउ, अरविंद भाई एंड भाभी जी, आपसे सबसे पहले कुछ शब्द आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है, बीजेएस के बारे में आप कुछ बोलना चाहें। अरविंद Well, भाई, you people are making us, at least me, that I feel like I am in India and I don't feel it's midnight over here. I'm so happy and joyful that such a wonderful people are getting together for a good cause and sharing the happiness and working very hard. Thanks to Rajendra Bhai, Rajesh Bhai, and all other workers of BJS. This is a humongous task to bring so many people together on a single platform and introduce each other. ये आप जो काम कर रहे हैं उसकी बहुत जरूरत है, पर
जैसे हम लोग यहाँ 50 साल पहले आए, तो हम भी अभी भी ऐसा ही प्रयत्न करते हैं कि हमारा कल्चर रहे, हमारा रिलीजन यहाँ पे रहे। तो उसके लिए हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं ऐसे। और जैसे जैन धर्म का कैसे स्प्रेड हुए, जैसे हमारा लॉन्ग आइलैंड मल्टी फेथ फोरम है, तो उसके अंदर 12 रिलीजन है, तो उसमें भी हम जैन धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि अपने बच्चे हैं वो अपने ही धर्मों में रहे और आगे बढ़े। धन्यवाद भाभी जी। एक सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद भाई को, मैं जानता हूँ ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, वेरी डिटरमाइंड पर्सन, किसी भी चीज के पीछे पड़ते हैं तो हासिल करते हैं। आप इनको कैसे झेल पाए 47 सालों से, अगर मैं बोल सकू आपसे? That's a very tough question and it's a challenging for me. I'm still learning, but the one of the most important thing is that, you know, our Jain principle, it's anekantvad, which says that you respect each other and also share the opinion. So rather making a decision on your own, you always check with the other person whether it's good for them or not, and you make a decision jointly. So that really helps the anekantvad principle in our daily life. The same way is our other principle, non-violence, not to hurt anyone by our speech, by our action, or even thinking about it. So I'm always respectful and I always ask for his opinion and I support all his activities. So that keeps us happy. Yeah, yeah, that's so nice of you. Really, you brought, this is the crux. We are born with these qualities. And Arun bhai, you have been a champion of Jain philosophy and all. I mean, how, what would you like to say these youngsters here? That how is Jainism being looked at and what all values are there and what message you want to give to them? Well, it's your question is short. Answer calls for very long things. I'll try to be as brief as possible. First thing is that all Jain should try to first practice the three principles of Jainism, AAA, Ahimsa, Anekantvad, and Aparigraha. That is the most simplest important things to make your life happy. Not only just making your life happy, but you will be, like they say, live and let live. You are going to make other people life happy. Not just your spouse and not just your family, but your extended family and surrounding and neighborhood. When we came 50 years ago, when I came 50 plus year ago in America, nobody knew Jain religion. Today on Long Island, population of 25 lakh, 2.5 million people, I would say that because of my effort on behalf of Long Island Multi-Faith Forum, almost 20 to 30% people know that there is a faith called Jain. And how you do that one? Every Jain should have their home or place of work. That tells that this person is Jain. For example, in our house, there is this picture as you enter. It's painted by American artist. It's from the Jain cosmology. It arouses the curiosity. Person asks, what is it? And yes, your family member, your relatives, your friends know you are Jain. But then there are other people come, electricians or plumber or repairman or somebody else. And I think that every house, and I learned this from my father when we were living in Ahmedabad, he had something on our home. And I said that makes a sense. And that things, as you grow old, you realize that it is very important that not only yourself, but people should know that you truly believe in Jainism, you practice Jainism. And like my wife said, that those three principles, if partner and family and society at large employs,
we will be much, much better off. In America, one has to realize that practically before 1965, there were no Jains living here. And as we came here, and as a those like Parsis who mix among Indian with the sugar in the milk, we tried our best to mix in the, this society. But challenges are there, problems are there. One has to work very hard, and you derive the satisfaction that you did your best. So, Arin bhai, what I understand from you, ki each Jain has to treat him or herself as a brand ambassador. You carry that name with pride with you all the time. My another question, because we have time shortage, I would like to ask a very important question. A huge contribution you people have made to the Jain cause in America is that I have come to know that in more than 20 universities today, Jainism is being taught. And why is it that the Western world is getting so much interested in Jainism? Well, it's a two-way street. One is that Jain, by very nature, their education and their knowledge are relatively on a top 10% of the bracket in American society. And commensurate with that position, they have proportionate wealth in this society. And we know that one, if there is one word that makes society progress and tolerant and happy, is education. So because we were beneficiary of education, we like to promote education, and we know that this society is hungry for the principle that Jainism espouses. In fact, after World War I, President Wilson said that this is the war to end all wars. And of course, unfortunately, World War II came. But they want peace in the world. America has so much massive wealth. All the inventions have been made, and everything that contributes to America, whether it's the World Bank or IMF, International Monetary Fund or United Nations, it is this power center, ultimate power center in the world. And Jain must take a leadership, because our educations, our principles are so powerful. So not only we are willingly donating money to the 20 plus universities to establish the Jain chair or Jain professorship or Jain lecture series, but universities are looking forward because they know that Jain like these things and they have a right things to teach, and they are promoting us and we are supporting them. Arin bhai and Babi ji, some concluding remark? The concluding remark is for all listeners, specifically youngsters, all I tell you is that life is full of opportunity, full of happiness. It's up to you to conquer it, have it. Just keep the positive dispositions. Remember 3 A's, Ahimsa, Aparigraha, Anekantvad. Try to understand other people. Keep your needs as minimal as possible. Even in the society, America has corrupted quite a bit with materialistic things, and India is no exception. But we must keep our needs as minimal as possible. And of course, don't hurt anyone. Yeah, I wish everyone all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Arvind bhai. Thank you, Babiji. Be with us for some time as long as you can. I know it's middle of the night and you people go to bed early.